क्या? अबे तुझे उसकी लिपस्टिक का फ्लेवर भी नहीं पता। अबे थोड़ा धीरे बोल लेना यार, जब से पैचू पे उसका कुछ हुआ ही नहीं। अबे भाई मुझसे सीख यार तू कुछ। अभी परसों उसका घर खाली था, कड़ल करके आया हूँ। कड़ल वो क्या होता है? अबे लेटे लेटे हक करने को कड़ल कहते हैं। अच्छा, दुनिया की नजर में ना तुम जैसे भी हो, मेरी नजर में तुम बहुत क्यूट हो। थैंक यू श्वेता। श्वेता तुम ना बेस्ट हो, बेस्ट डॉटर, बेस्ट पर्सन और ठीक ठाक गर्लफ्रेंड भी। और बच्चों आखिरी साल है, किसका क्या प्लान है इसके बाद? Lord save me from this pain. अबे पांडू सेंटी क्यों हो रहा है यार? कोई कहीं नहीं जा रहा है, सारे साथी ड्यू में एडमिशन ले लेंगे, नॉर्थ कैंपस में चिल करेंगे, एमकेटी के मोमोज खाएंगे। सोच रहा हूँ केस ठोक दो भाई पे। कब से नारा लगा रही हूँ, जर्नलिज्म करना है, जर्नलिज्म करना है। गोडाउन की चाबी है ये, 12वीं के बाद तुझे बिठा देना। मैंने दो गराज खोलने से पहले ना 2 किड्स कर लेते, कम से कम एक तो बैठ जाता है यहाँ पे। यार जब भी रजत से मिलती हूँ ना लगता छुपा रही हूँ। अगर तेरे से बताया गया तो बता दियो, नहीं बताया गया तो छोड़ दियो। रजत मैं और पापा 12th के बाद मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। श्वेता तुम्हें नहीं लगा कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुम्हें मुझे कंसल्ट करना चाहिए था? कंसल्ट? Do you even hear yourself? अगर तुम्हें पहले बताती ना तो तुम उसी वक्त में जाने से मना कर देते। तुम मुझे पहले बताती ना तो मुझे लगता कि मेरी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में, लेकिन नहीं, तुमने तो एग्जाम से पहले बस आके बॉम्ब फोड़ दिया कि रजत मैं जा रही हूँ, तुम डील कर लो इससे। मैं समझ सकता हूँ तू क्या फेस कर रहा है। अरे तू घंटा समझ सकता है मैं क्या फेस कर रहा हूँ। बच्चों तू तो सही में फेलियर निकला, प्यार में फेल, पढ़ाई में फेल और अब तो दोस्ती में भी फेल हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस बहुत मुश्किल है और मुझे नहीं लगता तू कर पाएगा। You have to accept it, Rajat. मैं जा रही हूँ। मेमोरीज के साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छी मेमोरीज हमें याद करनी पड़ती हैं और पूरी मेमोरीज अपने आप याद आ जाती हैं।